हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। ये देखिए टेस्टी टेस्टी दही बड़े, ये हैं व्रत वाले फलहारी दही बड़े। तो मैं आपको बताऊंगी इन्हें कैसे बनाएंगे। दही बड़े बनाने के लिए ये सामा के राइस लिए हैं, जिसे मोरिया भी बोलते हैं कुछ लोग। ये मैंने 3 मुट्ठी लिए हैं और 1 मुट्ठी साबुदाना लिया है। इसे हमें पीसना है, ग्राइंड कर लेंगे हम इसे। ये देखिए एकदम फाइन पाउडर ग्राइंड कर लिया मैंने। अब इसमें पानी डालकर मैं इसको थोड़ा लिक्विड जैसा, बैटर जैसा बना लूंगी, जिससे ये पानी अच्छे से सोक कर ले ये और फूल जाए। ये देखिए अब थोड़ा पानी और लग जाएगा इसके अंदर, क्योंकि बाद में हम इसे सेकेंगे कढ़ाई के अंदर। ये देखिए थोड़ा पानी और डाला और ये बैटर एकदम रेडी हो चुका। अब मैं इसे रख दूंगी, 10 मिनट के लिए रख दिया। अब कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करा, उसमें मैंने ये मिक्सचर डाला। अब हम इसे सेकेंगे अच्छे से, जब तक ये पैन को नहीं छोड़ दे। ये देखिए ये अच्छे से सेक चुका है, पैन छोड़ने लग गया। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से पैन छोड़ाना है तो आप थोड़ा ऑयल ज्यादा डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ही डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से सेक जाता है। एक बाउल में इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और फिर थोड़े हाथों पे ऑयल लगाकर इसके बड़े बनाएंगे और गरम तेल में हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। ये बड़े एकदम रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे दही बड़े बना सकते हैं। मैं दही बड़े ही बनाने वाली हूँ। और अगर आपको इन्हें अभी खाने हैं तो आप इन्हें थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल के निकाल लीजिए, ज्यादा देर मत छोड़ना, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और बाद में खाना है तो इन्हें स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको जो मीठी चटनी होती है वो बनाना बताऊंगी। मैंने 8-10 खजूर लिए हैं, जो डेट्स होते हैं उनको मैंने पानी में उबाल लिया और फिर उनके सीड्स अलग करके उसको ग्राइंड कर लिया और फिर छान लिया। और उसके अंदर मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया, उसको मिलाकर मैं अच्छे से 3 से 4 बॉयल ले लूँगी और मेरी चटनी एकदम रेडी हो जाएगी। ये इंस्टेंट वाली चटनी है, इसे ज़्यादा दिन मैं रखती भी नहीं हूँ स्टोर करके, बस रेडी है। अब दही बड़े सर्व करेंगे। एक प्लेट के अंदर बड़े रखेंगे, दही डालेंगे, साथ में ही हम मीठी चटनी, हरी चटनी, जीरा पाउडर और लाल मिर्च या जो भी आप फलहार में डालते हैं आप सब डाल सकते हैं। इस पे फलहारी नमकीन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़े से अनार ऐड कर दिए। एकदम रेडी है मेरे दही बड़े। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।